हाथ लगा के मंदिर का विषय ऐसा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब जो चीज सुप्रीम कोर्ट में है उसका निर्णय का पालन सब करना पड़ेगा। हम संत महात्मा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद आम सहमति के प्रयास में है। उसका फल ये हुआ कि सिया वर बोर्ड के चेयरमैन ने उसीम रिजवी साहब ने एक एफिडेविट दिया है कि राम मंदिर, रामलला का मंदिर अयोध्या में था वहाँ बनना चाहिए। सुन्नी वर बोर्ड तैयार नहीं हो रही है, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, तो वह राम मंदिर को बनाना चाहती है या नहीं बना चाहती है, ये प्रश्न का उत्तर उसको देना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि भाजपा पूर्ण बहुमत पे है, कानून बना के मंदिर बनना चाहिए था और सबकी आशा ये थी। ऐसा है, देखिए मोदी जी का शासन समाज से भी है और लगभग मेरे अंदाज है कि सारे लोगों से भी है। लेकिन समय 4 साल ऐसा होता है कि 4 साल में अगर आप चाहते हैं कि मोदी जी कोई छड़ी नहीं है घुमाया सब सही हो जाएगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा था, कांग्रेस ने क्या किया, पहले लोगों को हर चीज को छूट दे रखी थी, तो जब व्यक्ति को एक बार छूट खाने की आदत पड़ जाती है तो आदत पड़ जाती है उसकी। भारत में कर्ज इतना रुपया हो गया था, जैसे मान लीजिए गैस सिलेंडर है या पेट्रोल है, इसमें पहले सरकार छूट दिया करती थी, अब मोदी जी ने छूट माफ कर दी है, छूट नहीं मिलेगी आपको। तो पेट्रोल का भाव जो पहले था वो आज इसलिए बढ़ गया है कि गवर्नमेंट ने छूट वापस ले ली है। तो किसी को फोकट खाने की आदत पड़ जाना है तो आदत पड़ती है। हमारे देखिए दो चीज है, राष्ट्र और धर्म, दो ज्योति है। तो राष्ट्र हित में कुछ न कुछ आपको सहन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत में कर्जा पूरा रहे और कर्ज भारत डूब जाए तो मोदी मत लाइएगा, इसका जरा सा समझिए आप लोग, तुरंत फायदा नहीं होगा इसका। इसलिए मोदी ने जो निर्णय लिया है कि भारत को हम कर से मुक्त कराएंगे, ये निर्णय इसलिए लिया है कि जनता हमारे साथ देगी। अब जनता को 4 महीने में सब कुछ चाहिए, 4 साल में तो नहीं मिल पाएगा।